Assalamu alaikum students, welcome back in my channel with my new topic, diseases of circulatory system. In my previous lecture, we discussed about heart attack or myocardial infarction. Heart attack bhi bolte se, myocardial infarction humne pichle topic mein padha tha. Today we will discuss about high blood pressure or hypertension. As well as we discuss about diabetes and asthma. Today's lecture is high blood pressure. What is high blood pressure? High blood pressure क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि blood का pressure ज़्यादा होना, blood का pressure ज़्यादा होना, कहाँ blood का pressure ज़्यादा होना? In the vessels, कौन सी vessels जो के blood को लेके जाती हैं पूरी body तक? That vessels are called arteries. क्या बोलते हैं इनको हम? Arteries. आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर जाना, ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट करना वॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ कि ये हमारी आर्टरी है, एक आर्टरी है जिसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ना सिर्फ फ्लो कर रहा है बल्कि उसका अपना एक प्रेशर है इसकी वॉल के ऊपर. इस प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यानी एक्सर्ट ज़्यादा करना प्रेशर का इस वेसल के अंदर, इसको हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर. वॉल के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पर सप्लाई दी जा रही है, कहाँ सप्लाई दी जा रही है? ऑर्गेन्स तक, जैसे कि हम कहें हमारे हार्ट तक सप्लाई जा रही है, ब्लड की सप्लाई हार्ट तक ही आ रही है अगर हमारा ऑर्गेन एक हार्ट है. उसके अलावा हम कहें हमारा ऑर्गेन जो है वो हमारी किडनी है, तो ब्लड की सप्लाई किडनी तक बढ़ जाए या हार्ट तक बढ़ जाए या किसी भी बॉडी पार्ट तक बढ़ जाए, तो उसके प्रेशर का बढ़ जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. अब ब्लड का जो प्रेशर है इसकी एक एवरेज जो है वो रेट, एवरेज जो है वो रेशो है. अगर वो उस एवरेज रेशो से इंक्रीज कर जाए, जैसे एवरेज रेशो है हमारी वो है 120/80, ये हमारी नॉर्मल रेशो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के प्रेशर की. 120/80 इसका क्या मतलब है? एवरेज यानी 120/80, 120 ऊपर का ब्लड का प्रेशर है और 80 हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट का प्रेशर है. 120 हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेशर है और 80 जो है हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का प्रेशर है. अगर ये तो नॉर्मल रेंज है, अगर इससे ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाए, यानी 120 से इंक्रीज करके 130, 140, 150 हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और द अपर पार्ट ऑफ द अवर बॉडी. इसी तरह अगर 80 जो है इससे बढ़कर ब्लड का प्रेशर जो हो जाए 90 हो जाए, 100 हो जाए, 110 हो जाए, तो हम कहेंगे कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. ओके, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. नाउ होगा क्या कि इन चीज बॉडी की जो सप्लाई है, ब्लड की जो सप्लाई है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो हार्ट को भी है, किडनी को भी है, स्टमक को भी है, जिस जिस पार्ट को जो ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड जो है सप्लाई हो रहा है, अगर उसको प्रेशर इंक्रीज कर जाए इस रेंज से, तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन. क्या है हाइपरटेंशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाई ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. ये मैंने आपको बताया, ये आर्टरी है, इसकी वॉल, ये इसकी वॉल होगी ना, ये नीचे वाली, ये इसकी क्या है? ये वॉल है. अगर प्रेशर जो है इसके ऊपर बढ़ जाए तो वॉल्स के ऊपर हम इसे कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर. और नॉर्मल रेंज मैंने आपको क्या बताई है? 120/80. ओके, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. फिर रिपीट कर देती हूँ, इफ द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू, अबव द नॉर्मल वैल्यू इससे ज्यादा हो, तो दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. नाउ रिपीटेडली लिसन टू दिस, ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज. इफ द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू, क्या है वो? 120/80, द कंडीशन इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. ओके ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम, ये तो हो गया हाइपरटेंशन. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइपरटेंशन है, उसके कुछ सिम्टम्स होंगे. अब सिम्टम्स क्या होंगे? अच्छा, ये हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे जो अफेक्ट होते हैं बॉडी के पार्ट्स, वो कौन कौन से हैं? हार्ट और किडनी है. ठीक है जी, इनको जब ब्लड का सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिलती है, बहुत प्रेशर से मिलती है, तो हमारा हार्ट और किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी अफेक्ट होते हैं. अब हमें कैसे पता चलता है कि हम ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुबतला हैं, ब्लड प्रेशर हमें है, हमें हाइपरटेंशन है, तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं. और वो सिम्टम्स कौन से हैं? उनमें जो बेसिक सिम्टम्स हैं, उनमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है हमारा
सबसे पहले हेडेच, यानी हमें सर में दर्द होता है, हेडेच, ओके जी। एंड सेकंड जो इसका सिम्टम है वो है फटीक। फटीक का मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, फटीक, थकावट महसूस होना, सर का दर्द, थकावट होना, फटीक होना। ब्लड विजन, ब्लड विजन ये है धुंधलापन, आंखों से हमें कम नजर आना, धुंधला के नजर आना, इसको हम बोलते हैं ब्लड विजन, ब्लड विजन, ओके। नाउ हेडेच, फटीक एंड ब्लड विजन। इसके अलावा अक्सर अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि बाज लोगों को नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, यानी नोज जो है वो ब्लीड कर जाती है, जिसे नक्सीर भी बोलते हैं, नोज ब्लीड होती है। हेडेच, फटीक, ब्लड विजन एंड नोज ब्लीड इज द सिम्टम्स आर द सॉरी आर द सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हेडेच, फटीक, ब्लड विजन एंड नोज ब्लीड। अगर इनमें से कुछ भी आपको है तो नॉर्मली इसका मतलब ये है कि आपको क्या है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। अब इन चीज़ों से, इन इस ब्लड प्रेशर से हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, जो इसके प्रिकॉशंस हैं वो क्या हैं कि हम वो फूड लें जिसमें फैट्स कम हो, हाई सॉल्ट इनटेक करें, यानी कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा साल्ट इनटेक करते हैं, यानी साल्ट की मिकदार को अगर हम इनटेक कर दें, ज़्यादा बढ़ा दें, साल्ट ज़्यादा लेना शुरू कर दें। उसके अलावा जो है हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाएं, यानी जिसमें फैट्स ज़्यादा हो, चिकनाई वाली फूड। उसके अलावा स्मोकिंग जो है इसकी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग जो है इसका बाइस बनती है ब्लड प्रेशर का। अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेक ऑफ एक्सरसाइज है हमारे रोज डेली बेसिस पे, लेक ऑफ एक्सरसाइज हो, तो इससे क्या होता है कि हमारी इसकी वजह से जो है, लेक ऑफ एक्सरसाइज के होने की वजह से जो है हम इस चीज़ का हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जो है वो हो सकते हैं। ओके, लेक ऑफ एक्सरसाइज, फैटी फूड लेना, साल्ट ज़्यादा इनटेक करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, ये बाइस बनती हैं हाई ब्लड प्रेशर का। ओके, अगर हम इन चीज़ों का सबका ख्याल रखें तो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ओवर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कंप्लीट, दिस डिजीज़ इज़ कंप्लीट एंड नाउ वी स्टार्ट ओवर नेक्स्ट डिजीज़ इज़ द डायबिटीज एंड अस्थमा। इन माई नेक्स्ट वीडियो यू विल वॉच इंशाल्लाह ताला डायबिटीज एज वेल एज अस्थमा। ओके, वेलकम अगेन विद माई न्यू टॉपिक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। और इसको साथ के साथ आप लोग याद कर लिया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।